Hi students, in previous video we understood the exercise of meaning words and prose comprehension for chapter 3 Nasruddin's aim, and in this video we go for short question answers of this chapter. Number 1, why did Nasruddin take someone else's name each time he missed the target? यानी नसीरुद्दीन जो थे वो हर एक टाइम जब उनका जो टारगेट मिस हो जाता था तो तब वो किसी और का नाम क्यों लेते थे, वो ऐसा क्यों बताते थे कि इट वाज आजाद्स एम, इट वाज अचीव गार्ड्स एम. वी हैव टू राइट द रीजन अबाउट दिस आंसर. नसीरुद्दीन डिड सो मीन्स नसीरुद्दीन ऐसा कर रहे थे क्योंकि टू डिफेंड हिमसेल्फ यानी अपने आप को बचाने के लिए ऐसा वो बोल रहे थे. ही डिडेंट वॉन्ट टू शो हिज फेमर इन हिज स्किल इन आर्चरी. वो अपने जो फ्रेंड्स थे उनको नहीं दिखाना चाहते थे अपनी आर्चरी यानी तीरंदाजी में अपनी जो फेमर मीन्स अपनी जो निष्फलता, अपनी जो मिस्टेक थी वो नहीं दिखाना चाहते थे. इसीलिए वो ऐसा बोल रहे थे कि इट वॉज नॉट माई एम. So he took someone else's name each time he missed the target. कि जब भी वो सक्सेस नहीं हुए तब उन्होंने दूसरे का नाम ले लिया कि ये मेरा एम था ही नहीं. So that's why he took another person's name to when he missed the target. Now we go for the second question. Why did Nasruddin say it was my aim the third time? यानी एट द थर्ड टाइम नसीरुद्दीन ने ऐसा क्यों बोला कि इट वॉज माई एम. आंसर, ही वॉज लकी इन हिज थर्ड अटेम्प्ट. मीन्स नसीरुद्दीन जो थे वो अपने जो थर्ड अटेम्प्ट उन्होंने किया थर्ड टाइम तो वो लकी थे, उनकी किस्मत अच्छी थी. ही सक्सेसफुली हिट द टारगेट. उन्होंने अपने जो टारगेट निशाना जो था उसको हिट कर दिया. सो ही साइड इट वॉज माई एम. उनका जो निशाना था वो टारगेट पे ही लगा तो फिर उन्होंने बताया कि ये मेरा एम था. उनका जो उनको अपने जो आर्चरी की स्किल में उनको टारगेट यानी प्राउड लेना था कि ये मेरा जो एम है वो कभी फेल नहीं हो सकता. तो अगर वो सक्सेसफुली हिट हुआ तो उन्होंने अपना नाम बताया कि इट वॉज माई एम, तो उनको वो क्रेडिट चाहिए था. नाउ नंबर 3, डू यू थिंक नसीरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. क्या आप सोचते हो कि नसीरुद्दीन जो है वो आर्चरी तीरंदाजी में अच्छे थे, मीन्स गुड थी उनकी जो स्किल थी वो एकदम स्किल्ड मैन थे इन आर्चरी. नाउ वी राइट द आंसर. आई डोंट थिंक नसीरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. दिस इज द आंसर दैट मैं नहीं सोचता हूँ कि नसीरुद्दीन जो है वो आर्चरी में गुड थे, मीन्स उनकी जो आर्चरी में उनकी स्किल अच्छी थी. ही ओनली बोस्टेड अबाउट इट बिफोर हिज फ्रेंड्स. वो अपने जो फ्रेंड्स थे उसके सामने सिर्फ बड़ाई कर रहे थे, बोस्टेड यानी प्राउड ले रहे थे कि आर्चरी में मेरा कोई मैच नहीं है, बट एक्चुअली ही वॉज नॉट गुड इन एट आर्चरी. नाउ वी गो फॉर MCQs. नंबर 1, विथ होम नसीरुद्दीन वॉज चैटिंग. यू नो ऑल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आंसर इज फ्रेंड्स. नंबर 2, वॉट एक्सक्यूज हैड गिवन बाय नसीरुद्दीन व्हेन इट नॉट हिट द टारगेट एट फर्स्ट टाइम. यानी फर्स्ट टाइम जब उनका टारगेट हिट नहीं हुआ तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज, क्या बहाना उन्होंने दिया. आंसर, इट वॉज आजाद्स एम. दिस इज द एक्सक्यूज ऑफ नसीरुद्दीन व्हेन ही नॉट हिट द टारगेट एट फर्स्ट time. So this is the answer, and now we go for third. How many times Nasruddin got a chance to hit the target? Yani Nasruddin ko kitne chance mile, kitne time unhone chance liya apna jo nishana wo shoot karne mein. Answer, 3 times. First time unhone unka jo fail gaya, second time bhi fail gaya aur third time wo success hue the. So answer is 3. Now we go for true or false. Number 1, Nasruddin's friends started clapping for him.
नसरुद्दीन के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने नसरुद्दीन के लिए मैपिंग स्टार्ट किया. इट इज फॉल्स बिकॉज दे नॉट स्टार्टेड मैपिंग फॉर हिम, दे वेर मैपिंग ऑन हिम. नंबर टू, अकॉर्डिंग टू नसरुद्दीन द सेकेंड एम वॉज द चीफ गार्ड्स एम. इट इज ट्रू बिकॉज वेन ही फेल्ड इन द सेकेंड टाइम देन ही गिव द नेम ऑफ चीफ गार्ड दैट इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम. सो इट इज ट्रू. सो हियर दीज आर ट्रू फॉल्स. एंड नेक्स्ट अनदर एक्सरसाइज वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.